हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे 18 जनवरी का आपका सेकंड शिफ्ट का जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसके जीके के क्वेश्चन और कंप्यूटर के। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, आई बटन पे देख लीजिएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका सेकेंड शिफ्ट का पूछा गया 18 जनवरी का, वो है आपका ऐसा था कि नोटा कब लागू हुआ है ना, जब वोट वगैरह देते हैं तो एक रहता है ऑप्शन नन ऑफ दीज करके, जैसे एग्जाम में आप होता है वैसे एक होता है उसमें नन ऑफ दीज ना कह के नोटा बोला जाता है, ठीक है। तो ये कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2009 में, है ना। भारत में नोटा कब लागू हुआ, 2009 में, ऐसा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, है ना। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहा होगा, है ना। पहले किस नाम से या पुराना नाम, तो नीति आयोग समझ जाइए योजना आयोग, है ना। ऑप्शन में आपके दिया हुआ था योजना आयोग, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ देखिए सुभाष चंद्र बोस, है ना, एयरपोर्ट कहाँ पर है, है ना। सुभाष चंद्र बोस, ऐसा क्वेश्चन था, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है, कोलकाता में है, कहाँ पर है, कोलकाता में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन था आपका कि ब्लड का कार्य नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक है था आपका ब्लड का कार्य नहीं, का कार्य नहीं, तो सिग्नल करके एक ऑप्शन था, मतलब और सारे जितने ऑप्शन थे वो सब सही थे। एक उस उसमें ऑप्शन था कि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना, तो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना ये ब्लड का कार्य नहीं होता है, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना, है ना, ये ब्रेड आपका ब्लड का कार्य ना होके बल्कि स्पाइनल कॉर्ड का कार्य होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके से मतलब सीधे क्वेश्चन ना पूछ के घुमा के पूछा था। एक पूछा था कि आपका राजस्थान का लोक नृत्य, ऐसे करके था, बता रहा हूँ मैं, लिखा हूँ, राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है, ऐसे था, राजस्थान लोक नृत्य नहीं है, है ना। तो राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है, ऑप्शन में आपके लावणी दिया हुआ था, है ना, लावणी, लावणी जो है ये ही आपको लगाना था ऑप्शन। तो लावणी है कहाँ का, तो ये है आपका कहाँ का, महाराष्ट्र का है, कहाँ का है, महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र से याद आया। एक क्वेश्चन और महाराष्ट्र से आया था आपका कि विटी कल्चर, है ना, मतलब अंगूर की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है, ऐसा कुछ है ना, हाँ विटी कल्चर मतलब अंगूर की खेती, विटी कल्चर जिसे क्या कहा जा सकता है, अंगूर की खेती, अंगूर खेती सर्वाधिक कहाँ होती है, तो ये कहाँ होती है, सिंपल हो जाएगा कहाँ पर, महाराष्ट्र में, कहाँ, महाराष्ट्र, ठीक है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन महाराष्ट्र से हो गए। अच्छा अगला क्वेश्चन और आपसे एक पूछा था कि हाँ पीएम द्वारा एक स्वच्छता अभियान चला गया, पीएम द्वारा जो सब स्वच्छता का अभियान चलाया गया है उसको क्या बोला जाता है ना, तो स्वच्छता भारत, स्वच्छ भारत मिशन, ऐसे करके क्वेश्चन था ऑप्शन में, है ना। पीएम द्वारा, ये तो आसान क्वेश्चन था एकदम, पीएम द्वारा स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत, ऐसे करके था ऑप्शन में, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा अगर आप ये लगाए हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ देखिए 2018 तक सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, है ना, 2018 तक सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो ये कौन सा हो जाएगा, गोरखपुर, कौन सा हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा आपका सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन, बट मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए एक आया था आपका, ये रिपीटेड है, अगर नहीं भी आया तो भी सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ। देखिए एक ट्रिक है, पा काम पर सोते हैं, है ना, सोते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपका जो आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएंगे आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ये सब किससे हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रोटोजोआ से रोग। अब उन रोग के नाम ध्यान दे, काफी फनी ट्रिक है, पा काम पर सोते हैं बहुत आसान है, तो पैरिया, पा से क्या हो जाएगा आपका, सिंपल पैरिया, क्या हो जाएगा, पैरिया, ठीक है।
का से हो जाएगा आपका कालाजार, यही शायद आपके में आया था। कालाजार जो है वो किससे होता है, तो जीवाणु, विषाणु और पायरिया ऐसे करके ऑप्शन में दिया होता है, तो आपका प्रोटोजोआ से कालाजार होता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा था कि कालाजार किससे होता है, तो आपको क्या टिक करना था, प्रोटोजोआ। नहीं आया था तो भी समझ लीजिए, पिक्कल अभी पूछा गया था मलेरिया, माँ से क्या हो जाएगा मलेरिया, ये भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से। और आपका ये हो गया पायरिया और पा कांपर्स होते हैं, और सोते से क्या हो जाएगा, सोने की बीमारी, क्या हो जाएगा, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। ठीक है, आपको चीजें विजिबल है किधर की या नहीं है, जस्ट मिनट में चेक कर लो। हाँ सही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पा काम पे सोते, या सिंपल ऐसे कर लीजिए पापा कर लीजिए, है ना, वो तो आपकी बात ऊपर है। तो पे से हो जाएगा आपका पेचिस, है ना, क्या हो जाएगा पेचिस। ये सब आपकी किससे, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आया था तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया था तो जान लीजिए कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि देखिए ऑड आउट करके था, है ना, तो ऑड ऑड मतलब विषम करके था, ऑड आउट, तो आपके में दिया हुआ था, देखिए एक दिया तो शिलोंग दिया हुआ था, और चंडीगढ़ दिया हुआ था, और क्या दिया था, गांधीनगर दिया हुआ था, और एक कानपुर दिया हुआ था। तो जितने भी हैं आपके, देखिए शिलोंग मेघालय, शिलोंग हो जाएगा राजधानी, पंजाब चंडीगढ़ हो जाएगा, गुजरात गांधीनगर हो जाएगा, और कानपुर दिया हुआ था, तो कानपुर आपको लगाना था क्योंकि ये किसी की राजधानी नहीं है। ठीक है, कानपुर आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑड आउट से ये हो गया एक क्वेश्चन। अच्छा, एक और मुझे याद आ रहा था, हाँ एक कोई बुक आई थी मेगास्थनीज करके इंडिका, है ना, तो वो मैं बता दे रहा हूँ, लिखा हूँ या ना लिखा हूँ, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज क्या हो जाएगा, सिंपल इंडिका, है ना, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाँ देखिए सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय पहली महिला महिला न्यायाधीश। ठीक है, तो ये कौन हो जाएंगी, फातिमा बीबी, कौन हो जाएंगी, फातिमा बीबी। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ चंद्रयान टू से था कुछ क्वेश्चन, है ना, और उसका जो डायरेक्ट आंसर बताया गया वो एक कोई व्हीकल मतलब था, रोवर को किस नाम दिया था, तो चंद्रयान टू, खाली ये ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान टू से जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर जो है वो विक्रम सारा भाई है। क्या है, विक्रम सारा भाई। ठीक है, इसमें एक कोई पार्ट था, है ना, रोवर वो किसके नाम पर दिया गया था, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था, वो विक्रम साराभाई होगा। ठीक है, तो चंद्रयान टू विक्रम सारा। अब एक काम करिए, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को राइट कर सकूं और आप उसको भी कॉपी कर सकें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि मैं और को क्वेश्चन को राइट कर सकूं। ठीक, चलिए रिमेनिंग क्वेश्चन को देखते हैं। और ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट थी, ऐसे ही मैंने सारी ट्रिक बनाया, मतलब जीवाणु विषाणु के लिए, जैसे जीवाणु के लिए है पंडित का टीका, न्यू है, ठीक है, तो प्लेग, डिफ्थीरिया, टिटनेस, निमोनिया, ये सब किससे हैं, क्या कहते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। ठीक, तो ये सब आप तो अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जी के जी एस ट्रिक नाम से लिंक मिलेगी, एक बार क्लिक करिएगा, लगभग 50 ट्रिक हैं, बहुत यूजफुल रहेंगे आपके कोई भी एग्जाम में ले जाइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो था, देखिए एक स्टूडेंट ने खाली बताया था, बट क्वेश्चन अच्छा है तो मैं बता दे रहा हूँ, पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे बोला जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड, है ना, तो ये है आपका स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे बोला जाता है, तो शिलोंग को बोला जाता है, मेघालय की राजधानी शिलोंग को बोला जाता है, उसने ऑप्शन में बोला भी था कि शिलोंग दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 2000 राजीव गांधी को खेल रत्न अवार्ड से आया था, है ना, राजीव गांधी, अब क्या क्वेश्चन था पता नहीं चल पाया, राजीव गांधी खेल रत्न, तो मैं बता दे रहा हूँ जिनका एक अपकमिंग एग्जाम है वो थोड़ा पढ़ के जाएंगे, 2018 भी बताया गया था, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, कंफर्म नहीं हो पाया। अच्छा हाँ, ये था यूएनओ को शांति के लिए पुरस्कार कब दिया गया, यूएनओ को शांति के लिए पुरस्कार कब दिया गया, तो दिया तो कई बार है गया है, मतलब कई ईयर में, बट आई थिंक आपके ऑप्शन में 2001 था, दो लोगों ने बताया था, तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं कि कुछ अलग अगर दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि
पहली मेट्रो है ना, पहली मेट्रो, इसका कुछ आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। रीजन मैं बता दे रहा हूँ क्यों नहीं बता रहा हूँ, ताकि इतने लास्ट में मुझे पता चले कि हाँ आप भी यहाँ तक वीडियो देखते हैं, तो आप कमेंट अगर करेंगे तो मुझे पता। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप नॉर्मल कमेंट कर सकते हैं कि पहली मेट्रो, तो मैं उसके आगे आंसर आपको दे दूंगा। बट अगर आप चाहें तो मैं यही चाहता हूँ, मेरी ये दिली इच्छा है कि आप कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बता दीजिएगा किसके किसके बीच चली और कब चली। ठीक है, इसी से क्वेश्चन था है ना, कब चली या जो भी रहा हो, मैंने यही दो पूछ सकता है, किसके किसके बीच चली और कब चली। ठीक है, तो कमेंट करके प्लीज आप लोग बताइएगा, इसका मैं आंसर नहीं बता रहा हूं। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया है ना, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड केनिंग। कौन था? लॉर्ड केनिंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या था आपका, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था यूएनओ के पहले, नहीं हाँ कुछ ऐसा ही था, यूएन के पहले अध्यक्ष है ना, यूएन के पहले अध्यक्ष, यूएन के पहले अध्यक्ष, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो एंटोनियो गुटेरस। कौन थे? एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर पूछा हो तो के वेणुगोपाल, पर मुझे नहीं लगता ये पूछा गया होगा। ठीक है, और आपका टू चंद्रयान टू मैंने बता ही दिया, सुभाष चंद्र हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन आया था स्पेन के खिलाड़ी है ना, स्पेन का एक खिलाड़ी इस ऐसे करके आया था, स्पेन के खिलाड़ी जो कि क्ले कोर्ट के लिए बेस्ट है ना, ऐसा क्वेश्चन था। स्पेन खिलाड़ी, स्पेन खिलाड़ी बेस्ट फॉर, बेस्ट फॉर क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट, ऐसा क्वेश्चन था आपसे। तो ये हो जाएंगे कौन, राफेल नडाल। कौन हो जाएंगे? राफेल नडाल। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। और ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि भारत का पहला कारखाना कहाँ खोला गया, तो ये भी थोड़ा सा डिफर कर रहा था, मुझे लगता है कोलकाता था। कमेंट करके आप बता दीजिएगा अगर आपके पास है कुछ ऐसा। और ये हो गया। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था आपका कि समलैंगिकता के विवाह को किस देश ने मंजूरी दे दी है। अब वो भी थोड़ा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन दिया, तो कई देशों ने है ना, लेकिन अब उसे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या ऑप्शन में दिया हुआ था। तो जो ऑप्शन में था आप बता सकते हैं। ठीक है, समलैंगिक विवाह की अनुमति, समलैंगिक, समलैंगिक विवाह अनुमति। ठीक है, ये बताइएगा आप कमेंट करके। कई मैंने तो सर्च किया, कई सारे देश आ रहे हैं, तो ऑप्शन सही हो पाएगा। ठीक है, तो गाइस वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। हालत एकदम ख़राब है, कंटिन्यू मैं लगभग मान के चलिए 5 से 6 घंटे लेक्चर ले चुका हूँ, तब जाके वीडियो बना रहा हूँ। कोचिंग में पढ़ाना रहता है, फिर उसके बाद के वीडियो बनाना रहता है, फर्स्ट में एनालिसिस करा दिया हूँ। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगी आपको, आप वहाँ पे जरूर एक बार विजिट करिएगा। जैसे रीजनिंग का रामबाण वीडियो 11 घंटे की वीडियो है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएगी। उसको में आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो के कमेंट में आपको टॉपिक वाइज टाइमिंग मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल।